हेलो दोस्तों, दोस्तों वाइन मेकिंग किस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं महुआ बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये महुआ एक प्रकार का देसी दारू होता है। ये महुआ के पेड़ के फूलों से बनाया जाता है। ये बिहार उड़ीसा झारखंड में बहुत प्रचलित ये शराब है, ये महुआ की शराब। तो दोस्तों ये दिखे जे महुआ के फूल मुझे झारखंड से जे आनंद भाई साहब जी ने भेजे हैं। अगर आपने भी ये रानू गोली या फिर ये महुआ मंगवाना हो तो उनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस नंबर पर उनको कॉल करके ये मंगवा सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए, ये ड्राई महुआ के फूल है। तो ये भाई साहब ने मुझे ये देखिए पैक करके भेजे हैं ये ड्राई फूल। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने अभी इसको थोड़ा खा कर देखे हूँ। तो इसका स्वाद थोड़ा मीठा है, तो ये हल्का मीठा है, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सूखे हुए सुहारे जैसा लग रहा है। तो ये देखिए जी, महुआ के फूल है। और दोस्तों ये देखिए जी, मैंने गुड़ लिए हूँ। मैं 1 किलो गुड़ डालूँगा और 4 लीटर पानी डालूँगा। और ये आधा किलो मैं महुआ के फूल उपयोग करने जा रहा हूँ। दोस्तों ये मैं ऑर्गेनिक गुड़ लिए हूँ। ये ज़्यादातर बाज़ार में जो मिलता है उसमें चीनी मिली होती है। ये हमारे जहाँ पर ये देसी गुड़ ये ताज़ा बनाया जाता है, यह 100% यह ऑर्गेनिक गुड़ है। तो मैं इसका उपयोग करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, गुड़ का जोग करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए 1 kg 50 ग्राम ये देखिए ये इसका जोखा आया है ये गुड़। ये मैं 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर गुड़ ले रहा हूँ। और दोस्तों ये 0.5 किलो ये महुआ के फूल है। तो दोस्तों अभी हम 3 लीटर पानी डालकर इसको गर्म कर लेते हैं, फिर हम इसमें गुड़ डालकर गुड़ को पानी में डिसॉल्व करेंगे। दोस्तों 1 लीटर पानी मैं बाद में डालूँगा, अभी मैं 3 लीटर पानी ही डालकर इसको गर्म करूँगा। तो दोस्तों हमारा पानी ये देखिए हल्का गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें गुड़ डाल देते हैं। तो गुड़ में डाल के इसको अच्छे से डिसॉल्व कर देंगे। ये देखिए गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीस में कर लिए हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमारा गुड़ अच्छे से डिसॉल्व हो चुका है। ये पूरी तरह से हमारा गुड़ जो है ये इसमें घुल चुका है। अभी दोस्तों इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देने का है, बाद में हम इसको जार में डालेंगे। इसमें हमने 3 लीटर पानी डाला था, 1 लीटर हम पानी बाद में जार में जब इसको डालेंगे तब डालेंगे। तो दोस्तों गोल को अभी जार में डाल लेने का है। ये देखिए ये 10 लीटर का जार है, तो मेरा गोल 5 लीटर के आसपास है। तो अभी मैं इसमें डाल देता हूँ। अगर आपके पास में 5 लीटर का जार हो तो आप उसमें भी डाल सकते हो। तो मेरे पास अभी 5 लीटर का जार अवेलेबल नहीं था, तो मैं इसमें ही डाल लेता हूँ। और दोस्तों हमने 3 लीटर पानी पहले डाला था, तो 1 लीटर पानी हम अभी इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हमारा गोल अभी भी थोड़ा गर्म है। तो ज़्यादा गर्म इसमें नहीं डालने का है, क्योंकि ये प्लास्टिक का जार है तो इसमें ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालने का है। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा पहले ठंडा पानी डाल लेते हैं, बाकी हम गोल जो है थोड़ा गर्म है वो इसमें बाद में डालेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारा गोल अभी भी ये 40 या 45 सेल्सियस के आसपास है। तो हमने इसलिए ये जार में पहले ठंडा पानी डाल लिए है, तो अभी ये भी हम इसमें डाल देते हैं। ज़्यादा गर्म गोल जार में नहीं डालने का है, नहीं तो जार जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसलिए पहले ये ठंडा पानी डाल लिए है। तो चलिए दोस्तों ये गोल भी इसमें डाल देते हैं। तो हमने ये गुनगुने गोल में ही ये महुआ के फूल डालने हैं, ताकि ये फर्मेंटेशन जल्दी से स्टार्ट हो जाए। तो चलिए इस गोल को इस जार में डाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने गोल को जार में डाल लिए है। अभी ये देखिए ये महुआ के फूल भी हम इस जार में डाल देते हैं। दोस्तों ये महुआ के फूल में कुदरती ईस्ट होता है, तो इसमें ईस्ट डालने का ज़रूरत नहीं होता है। तो हम गोल में ये सिर्फ फूल ही डालेंगे, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ईस्ट नहीं डालेंगे। अभी दोस्तों सर्दी का मौसम चल रहा है, ये टेम्परेचर काफ़ी लो चल रहा है। कई बार दोस्तों सर्दी की वजह से ये महुआ के फूल का फर्मेंटेशन 60-8 नहीं हो पाता है। अगर ये फर्मेंटेशन 60-8 ना हो
तो इसमें थोड़ा ईस्ट डाल देने का होता है। तो दोस्तों अगर इसका फर्मेंटेशन 7-8 नहीं हुआ तो मैं भी इसमें थोड़ा ईस्ट डालूँगा। तो चलिए दोस्तों अभी ये महुआ के फूल भी जार में डाल देने का है। तो दोस्तों मैं इससे महुआ की दारू बनाने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने फूल को धोए नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों इसको डिस्टिल्ड ही करना होता है। तो ये देखिए मैं बिना वाश किए ही ये सीधा डाल रहा हूँ। अगर आपने महुआ के फूल का वाइन बनाना हो तो आप ये फूलों को अच्छी तरह से धोकर ही जार में डालें। तो अगर आपने ये ऐसे ऐसे शराब बनाना है तो ये सीधा भी डाल सकते हो। तो दोस्तों जार के ऊपर ये एयरलॉक लगा देता हूँ, आप चाहो तो बिना एयरलॉक के भी बना सकते हो। आप जार के ऊपर हल्का सा ढीला ढक्कन लगा सकते हो जिससे कि इसके अंदर की जो गैस है बाहर पास होती रहे। तो दोस्तों एयरलॉक लगाने से ज़्यादा बढ़िया रहता है, इससे बाहर की ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती जिससे कि हमारे गोल्ड का ख़राब होने का खतरा नहीं रहता है। तो इसलिए ये एयरलॉक लगाए तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप बिना एयरलॉक के भी ये बना सकते हो। तो दोस्तों मैंने गोल्ड को ये देखिए रख दिए हूँ, इसमें मैंने कोई भी ईस्ट नहीं डाला है क्योंकि महुआ में कुदरती ईस्ट होता है। तो अभी हम इसके फर्मेंटेशन 7-8 होने की प्रतीक्षा करेंगे। तो जब इसका फर्मेंटेशन 7-8 हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी बहुत ठंडी चल रही है तो इसलिए दोस्तों इसके ऊपर मोटा कंबल ओढ़ देने का है ताकि गर्माइश बनी रहे और फर्मेंटेशन बढ़िया 7-8 हो सके। तो इसके ऊपर मैं मोटा कंबल ओढ़ देता हूँ। तो दोस्तों हमारे गोल को पड़े हुए 24 घंटा से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक अभी ये इसका फर्मेंटेशन 7-8 नहीं हुआ है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो दोस्तों अभी मैं इसमें ईस्ट डालने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप इसमें ईस्ट डाल सकते हो, लेकिन मैं दोस्तों ये देखिए ये जो कुदरती ईस्ट जो रानू गोली होती है इसका उपयोग करने जा रहा हूँ। ये भी मुझे आनंद भाई साहब जी ने झारखंड से भेजी थी ये रानू गोली। ये एक पैक में 200 गोलियाँ होती है। अगर आपने भी ये रानू गोली मंगवाना हो तो आप आनंद भाई साहब जी से मंगवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों ईस्ट की जगह पर जो मैं रानू गोली डाल लेता हूँ थोड़ा। तो दोस्तों इस रानू गोली को हल्का गुनगुना पानी में घोल कर थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ, तो बाद में हम इसको जार में डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा जो मैंने गुड़ डाला है, तो अभी गुड़ को थोड़ा हल्का गुनगुना पानी में डिसोल्व कर लेते हैं, बाद में हम इसमें रानू गोली डालेंगे। तो मैं अभी रानू गोली को पीस लेता हूँ, फिर हम इसको गुड़ वाले पानी में डालेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 गोली ले लिए हूँ, वैसे तो 1 गोली भी काफ़ी है लेकिन मैं 2 गोली डालने जा रहा हूँ। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से मसल कर पीस देने का है और बाद में हम इसको घोल के गुनगुने पानी में डाल लेंगे। तो हमारा ये गुड़ वाला पानी 40 सेल्सियस के आसपास है, तो ये देखिए जी इसमें डाल लेता हूँ और इसको अच्छी तरह से घोल कर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, बाद में हम इसको जार में डालेंगे। तो दोस्तों ये देखिए इसको पड़े हुए आधा घंटा से ऊपर हो चुका है, ये अभी भी ये देखिए एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये देखिए ये रानू गोली वाला ईस्ट। तो दोस्तों अभी इस रानू गोली ईस्ट को हम सीधा ऐसे ही जार में डाल देते हैं तो ये ऐसे ही काम कर जाएगा। ये 24 घंटा तक फर्मेंटेशन होना 7-8 हो जाएगा। तो अभी इसको ऐसे ही डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें रानू गोली ईस्ट डाल दिए है, अभी इसको ऐसे ही 24-25 घंटा के लिए छोड़ देते हैं, बाद में जो फर्मेंटेशन होना 7-8 हो जाएगा तो हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारे इस गोल को पड़े हुए 24-25 घंटा हो चुका है, तो इसका फर्मेंटेशन होना 7-8 हो चुका है। ये देखिए इसके एयरलॉक में कितना बढ़िया बबल्स उठ रहा है, थोड़ा स्लो फर्मेंटेशन हो रहा है क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, तो ज़्यादा सर्दी होने की वजह से ये बहुत स्लो चल रहा है। पर दोस्तों इसको मैं ऐसे ही पड़ा रहने दूंगा, अभी ये 15-20 दिन ले लेगा फर्मेंटेशन डन होने में। ज़्यादा सर्दी में ये ज़्यादा दिन ले लेता है फर्मेंटेशन होने में, गर्मी में ये 7-8 या 10 दिन तक ये पूरा हो जाता है इसका प्रोसेस, लेकिन सर्दी में ज़्यादा दिन लग जाते हैं। तो अभी दोस्तों इसको 15-20 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देने का है। तो जब दोस्तों ये फर्मेंटेशन डन हो जाएगा तो हम इसको फिल्टर करेंगे,
और बाद में दोस्तों कुकर में इस कार का निकाल कर हम सारा बनाएंगे और इसका फुल वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए दोस्तों अभी इसको ऐसे ही छोड़ देने का है। धन्यवाद दोस्तों।